एक्सक्यूज मी मैडम, आपसे एक सवाल है। जी, हमें जो एप्पल की डिलीवरी मिल जाती है वो बिफोर टाइम मिल जाती है। क्या बात है। तो और ये स्पेसिफिकली वेट कर रहे हैं अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स की, जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि बहुत अच्छे प्राइस पे अवेल करवाएंगे। ये देखो पूरा मेला। और ये क्या कर रहे हो भाई साहब आप? मैं अभी अपने नए फोन की इंतजार कर रही हूँ। कौन सा नया फोन? 14 प्रो मैक्स। किसने ऑर्डर? अभी ये हमने ऑर्डर किया। तुमको तो मिलने वाला है नहीं वो? नहीं, मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपका फोन है 13 प्रो मैक्स वो तो मेरा होने वाला है ना। अच्छा, तो उसकी तैयारी चल रही है। वो तो तुम्हें आज ही मिल जाएगा मोटे। यस। तो भाई साहब ये है वो ईमेल जिसमें खुशियाँ खुशियाँ हैं जो हमने ऑर्डर किया था। 9th को हमने ऑर्डर कर दिया था इसको, और अनलकीली इसमें जो डेट दी हुई है ना वो है 12th से 19th अक्टूबर। अभी अब मेरा बर्थडे क्रॉस हो जाएगा, आप देखते हैं क्या है। वैसे उम्मीद तो है कि जल्दी आ जाए। आपका क्या कहना है मैडम इसमें? उम्मीद करते हैं, आई एम श्योर कि आपके बर्थडे से पहले आ जाएगा, क्योंकि ये 4 to 5 weeks बोल रहा है। मोस्टली हमें जो एप्पल की डिलीवरी मिल जाती है वो बिफोर टाइम मिल जाती है। क्या बात है। तो होप टू एक्सपेक्ट कि मतलब हमें ये पहले ही मिल जाए। तो ये एप्पल की कोई प्रमोशन नहीं है, हम इतनी तारीफ तो कर रहे हैं भले, लेकिन उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए भाई। क्या पहनूं? कुछ भी। Hi guys, my name is Lokesh and I'm Millie. लेकिन अभी हम दिखाने वाले हैं कि चार का रात में कैसा दिखता है, कैसी एम्बियंस है यहाँ का, आसपास का माहौल कैसा है, यहाँ पे शॉप्स कैसी हैं, तो वो सब की बातें करेंगे चलते चलते। अभी हम लोग जा रहे हैं, YouTube का पहला ब्लॉग है, प्लीज हमें सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, अपना बहुत सारा प्यार। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही चीप रेट पे अवेलेबल होते हैं। मैडम, ओ मैडम, आपको वो दिख रहा है मेगा मॉल? क्या याद है आपको वहाँ से? मेगा मॉल हमेशा मूवीज के लिए जाते हैं, एंड वहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स हैं, मतलब घर भर के जो शॉप्स हैं वो वहाँ पे बनी हुई हैं। बहुत बढ़िया मॉल है ये शारजा का की अगर मॉल्स की बात करें तो इसका नाम ज़रूर आता है। तो अभी हम लोग आ गए फिर से एक सिग्नल पे, पेडेस्ट्रियन सिग्नल है ये। अभी कुछ लोग ज़बरदस्ती सिग्नल क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। बहुत ये बड़ी अच्छी बात कही आप, अनसेफ होता है ये, प्लस फाइन भी है इस पर। और आप भी नहीं करते कभी भी ना? ठीक है, दोबारा देखो। हमारी जो मंजिल है वो ज़्यादा दूर नहीं है, शॉप्स दिखनी शुरू हो गई है यहाँ से, और वी आर हार्डली अराउंड 400 meters अवे फ्रॉम डेस्टिनेशन। एक्सक्यूज मी मैडम, आपसे एक सवाल है मेरा, जो वेदर है वो आपको कैसा लगा आज का? वेदर यार बहुत गर्मी है, लेकिन पहले से थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब चलते हुए वो गर्मी का उमस का एहसास होता है। फिर भी हम लोग चलते ही रहेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चलना ही पड़ेगा। वी विल बी मोर रेगुलर मेकिंग द व्लॉग्स इन द विंटर सीजन। हाँ, विंटर्स में थोड़ा इजी हो जाता है ना, वी कैन गो अराउंड एनीवेयर, और इतना कोई मौसम का टेंशन नहीं होता। ये मैडम की लेसेस खुल गई है। आप बन गया मैडम लेसेस? यस, ऑल सेट टू गो। तो ये एक और शॉप है यहाँ पे, इसको जरा क्लोज से दिखाता हूँ मैं, पूरा नाम इसका आ जाए। इसका नाम है गिफ्ट शॉपिंग। ये गिफ्ट पैलेस है, ये शॉप में और भी है, बट दिस इज गिफ्ट पैलेस।
इसकी खासियत क्या है मैडम? आप तो यहाँ पे अक्सर आते जाते रहते हैं बिना मेरे, तो फिर आप ही बता दीजिए इसके बारे में क्या क्या है इसमें खास। खासियत ये है कि आपको यहाँ पे हर तरह के अफोर्डेबल चीज़ें मिल सकते हैं, लाइक हाउस होल्ड ज्वेलरी, एक्सेसरीज, गिफ्ट, टॉयज एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कम प्राइस में अच्छी चीज़ें मिल सकती है, तो आइए। डेकोरेशन के आइटम्स भी है, so you'll get everything. The same opposite this gift palace you can find gift zone. वो सामने zoom कर देता हूँ मैं, ये है gift zone. Same, ये भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ें आपको मिलती है, बस यहाँ पे ये है कि आपको कपड़े भी मिल जाते हैं। ये एक additional item है यहाँ पे जो आप यहाँ से ले सकते हैं। और मैडम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गिफ्ट शॉपिंग के पास ही पहले आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपको पिकअप करने के लिए आती थी? हाँ जी, पहले आती थी, उसके लिए मुझे काफ़ी देर, मतलब घर जहाँ था और यहाँ पे जो स्टॉप था तो बहुत वॉक करना पड़ता था, तो मेरा स्टॉप जो है जस्ट अभी घर की तरफ है, तो आई एम मोर कंफर्टेबल। तो ये मेरी सिफारिश की वजह से हुआ है ना, हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ पे जो है वो लाइन से आपको मोबाइल शॉप दिख जाएंगी, यहाँ पे आपको नए पुराने हर तरह के मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास हाँ कहा जाता है और हम बेचना है, हाँ पुराना फ़ोन बेचना है, तो ये मार्केट बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये सारी मोबाइल शॉप है, वहाँ पे भी मोबाइल शॉप है, एंड लास्ट साइड ऑल्सो ये एक राउंड अबाउट है, हाँ ये एक राउंड अबाउट है इस तरफ, वहाँ पे फिर सारी शॉप है। देखिए अगर हम आपको थोड़ा जूम कर देते हैं तो ये सारी आपको मोबाइल शॉप दिखेगी। क्या बात है, आपके तो बहुत, वो एक बहुत ही प्यारा सा मस्जिद है। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ही नहीं, मोबाइल के अलावा और भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। और अगर आप अपना फ़ोन पुराना बेचना चाहते भी हैं तो भी आप अपना फ़ोन बेच के उसके बदले कैश ले सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है कि आपको फ़ोन के बदले नया फ़ोन या पुराना फ़ोन ऐसा यूज फ़ोन लेना होता है। एंड मेक श्योर आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो यहाँ होना ज़रूरी है, उसके बिना ना तो आपका फ़ोन बेचा जाएगा, मतलब आप अपना कोई भी पुराना गैजेट जो है वो बेच नहीं पाएंगे किसी भी हालत में। यही है ना, मासूम भाई कैसे हो? ये वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, उसकी आपकी बल्कि इसकी एडवर्टाइजमेंट ही हो जाएगी एक तरह से। कैसे हो? अभी भी मास्क पहनना ज़रूरी है। तो ये है हमारे मासूम भाई की पूरी मोबाइल शॉप। अच्छा ये जो मासूम भाई, क्या है कि वीडियो मैं जो है अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, थोड़ी बहुत आपके प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा। तो ये है हमारे अरमान भाई, ये भी बांग्लादेश से हैं। और मासूम भाई से आपका कोई रिलेशन है दूर दूर का या पास दूर का? दूर का भाई है, ये दूर के भाई हैं और ये हमेशा दूर ही रहते हैं, इनसे कभी पास नहीं आते इनके। तो इन भाई ने अभी हमारे मोबाइल के कवर चढ़ाया, अभी हम आए थे वो काम हमारा हो गया है। और मासूम भाई ज़रा आ जाओ, एक बार चेहरा दिखा दो अपना। तो ये हैं हमारे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ इनके नए प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं जो कि ये बाद में शोकेस करेंगे। और ये स्पेसिफिकली वेट कर रहे हैं अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स की, जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि बहुत अच्छे प्राइस पे अवेल करवाएंगे। तो कोई भी शारजा में अगर वो यहाँ पे वो अवाफी सेंटर, अवाफी मोबाइल शॉप है, अवाफी मोबाइल शॉप जो कि मोबाइल राउंड अबाउट पे है, मेगा मॉल के ठीक पास है, तो वो यहाँ पे आके इनसे रब्ता कर सकता है। और चलो तो अब ब्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि हमारे सेकेंड ब्लॉग में। हमारी जो शॉपिंग काम था वो हो गया है हमारा, और मैडम थोड़ी नाराज़ है, ब्लॉग को एंड नहीं करना है क्या? अब हम जा रहे हैं घर, इनकी खैर लेते हैं, मैं घर जाती हूँ। कुछ एक ऐसी चीज़ हो गई जो इसने मेरे से मांगी थी, लेकिन मैंने उसको बोला कि तो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, अभी नहीं देखे, तो इसलिए उसका मूव मिल गया था। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट विजिट में तो पूरा हो ही जाएगा। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर।